दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा ने जेम्स एंडरसन की गेंद पर लगा दिया दुनिया का सबसे लंबा छक्का और गेंद को निकाल दिया स्टेडियम से बाहर। दोस्तों अंग्रेज थर थर कांपने लग चुके थे रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देख करके। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो रोहित शर्मा के छक्के का पूरा वीडियो, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया इंग्लैंड के बीच में पांचवा टेस्ट मुकाबला धर्मशाला के मैदान पे स्टार्ट हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को भारत गेंदबाजों ने मात्र 218 रन के स्कोर पे ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करते हुए जैक क्राउली ने सबसे ज्यादा 79 रन की पारी खेल डाली, 11 चौके एक छक्के की मदद से, और किसी बल्लेबाज को नहीं चलने दिया। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए 72 रन देकर के, और वहीं अश्विन ने 51 रन देकर के 4 विकेट चटकाए। दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान पे आई। भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल खत्म होने तक बना लिए 1 विकेट गंवाने के बाद 135 रन, जिसमें यशस्वी जायसवाल 57 रन बना करके आउट हो गए 5 चौके 3 छक्के की मदद से। मगर दोस्तों फिलहाल रोहित शर्मा अभी भी नाबाद है 52 रन बना करके 83 गेंदों में, और शुभमन गिल 26 रन बना करके अभी भी नाबाद है। दोस्तों रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 6 चौके लगाए और 2 गगनचुम्बी छक्के लगाए। और दोस्तों इसमें से जेम्स एंडरसन के 25वें ओवर में रोहित शर्मा ने लॉग ऑन में लगा दिया था दुनिया का सबसे लंबा छक्का, गेंद को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया था।